हेलो एवरीवन, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लोटस की स्वीट ऑरेंज क्रिस्टल स्पा मैनीक्योर पेडीक्योर किट। काफ़ी अच्छी ये किट है गाइज, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया अपने हैंड्स पे, बहुत ज़्यादा टैन हो गया था हैंड्स पे, और इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया हैं। आप इसको अपने सलोन में ऐड कर सकते हैं। लग्जरी प्रोडक्ट है ये किट, कुछ अंदर से इस तरीके से आपको दिखाई देगी। 6 प्रोडक्ट इसमें मिले हैं, इनका डेमो भी हम देखने वाले हैं, तो आप वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट जो है वो बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही अच्छे रिजल्ट। इससे आप बॉडी पॉलिशिंग भी अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। सो यहाँ पे गाइस, हमने पहले वॉर्म वाटर लिया है अपनी मैनी की ट्रॉली, हमने मैनीक्योर की ट्रॉली लगा ली थी। हल्का सा इसमें थोड़ा थोड़ा सा वन पिंच हम सोप डालेंगे, एंड उसके बाद हम पानी चेक करेंगे। क्लाइंट के हाथ डिप कराने से पहले आपको चेक करना है कि कहीं पानी गर्म तो नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हम ले रहे हैं क्यूटिकल क्रीम। क्यूटिकल क्रीम को हम पूरा क्यूटिकल एरिया पे, जो हमारे नेल की वोल है चारों तरफ, वहाँ पे लगा लेना है, जिससे कि आपका क्यूटिकल सॉफ्ट हो जाए। और इसके एप्लीकेशन के करने के बाद आपको एटलीस्ट 2 से 3 मिनट, अच्छे से 5 मिनट भी आप रख सकते हैं, क्लाइंट के हैंड्स को डिप कराएंगे पानी में। क्रिस्टल्स लिए हमने, वो हाफ स्पून क्रिस्टल लिए और उसको पानी में डिप करके रख दिया है। जब तक हम अपना बाकी का प्रोसीजर करेंगे, हमारा क्रिस्टल भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस, अब हमारा क्यूटिकल जो वो सॉफ्ट हो गया है। एक पुशर की हेल्प से हम अपने क्यूटिकल को, क्यूटिकल मतलब डेड स्किन जो है, उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। बहुत ही ध्यान से आपको करना होता है, अदरवाइज़ ये मेटल का जो पुशर है, अगर आपके वोल पे लग जाता है, पीछे वाली जो वोल है वो बहुत सॉफ्ट होती है, उससे कट वगैरह लगने के चांसेस रहते हैं। तो आपको पूरा ध्यान से इसको करना है। पहले हम पुशर की हेल्प से उसको रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी हेल्प से, क्यूटिकल की कटर की हेल्प से, कटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंड ये भी आपके फाइलर की साइड में होता है क्यूटिकल रिमूवर, इससे भी आप इसको रिमूव कर देते हैं। इसके दो बेनिफिट हैं, एक तो आपके हाथ नीट रहेंगे, सेकंड जब आप नेल पेंट लगाएंगे तो वो काफ़ी देर तक स्टे करेगा, और एक स्मूद बाकी स्मूथ टेक्सचर हो जाएगा जब नेल का, तो काफ़ी अच्छा आपका नेल पेंट लगेगा। अब हम ले रहे हैं स्क्रब, अच्छे से 5 से 7 मिनट स्क्रबिंग करेंगे हैंड्स की। हैंड्स की स्क्रबिंग हम फेस के टाइम से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि डेड स्किन होती है, और अच्छे से आपको इसको रब करते हुए क्लीन कर देना है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट, जैसे ही स्क्रबिंग हुई गाइस, मुझे बहुत मज़ा आया, और थेरेपिस्ट को भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जो क्रिस्टल होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, करते करते बहुत मन लगता है। और आप देख रहे हैं अभी मेरे हाथों पे टैनिंग, और बाद में आप देखेंगे कि ये कितने नीट हो गए हैं। तो अच्छे से हम इसको पहले अच्छे से स्क्रब करेंगे, एंड उसके बाद हम यूज़ करेंगे क्रिस्टल। ये देखिए क्रिस्टल कितना सारा हो गया है, और इसको हम अच्छे से रब करते हुए एटलीस्ट 7-8 मिनट आपको अच्छे से रब करना है, जब तक कि आपकी टैन अच्छे से रिमूव ना हो जाए। तो ये देखिए कितना अच्छा हो गया, बिल्कुल हाफ स्मून हमने लिया था, और ये इसने पानी को ऑब्जॉर्ब कर लिया है। और उसके बाद देखिए इसके, अभी आप इसके रिजल्ट देखेंगे, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है गाइस। आप देख सकते हैं मेरे ऊपर और नीचे के हैंड में डिफरेंस, टैन आपको नज़र आएगा, थोड़ा डार्कनेस अभी तो कम हो गया है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। तो इस तरीके से अच्छे से आपने मेरे सॉरी आपने अच्छे से हैंड्स पे आपको ये क्रिस्टल से स्क्रबिंग करनी है, एक तरह से मसाज करनी है, ताकि आपका जो हैंड है वो स्मूथ हो जाए, डेड स्किन रिमूव हो जाए। एक मसाज की तरह आपको इसको करना है। ये देखिए अब यहाँ पे अच्छे से दोनों हाथ पे हम सेम प्रोसीजर करेंगे, एंड उसके बाद हम इसको क्लीन कर देंगे। अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ़ पानी में क्लीन करेंगे गाइस, पोंछ देंगे हैंड्स को। उसके बाद लगाएंगे मास्क, और मास्क लगाने के बाद हम करेंगे मसाज। तो ये मास्क है, अच्छे से आप मास्क लगाएंगे। तो आप यहाँ पे ये मत सोचिए कि अरे मास्क और पैक तो बाद में लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले भी लगा सकते हैं, क्योंकि सम टाइम क्या होता है, पैक और मास्क के बाद हैंड्स जो है वो ड्राई ड्राई हो जाते हैं। तो उसके बाद आप क्रीम की मसाज करेंगे, तो काफ़ी अच्छा ग्लो भी आएगा। तो यहाँ पे हमारा मास्क जो है वो ड्राई हो गया था, अब हम करने वाले हैं क्रीम। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, और रिज़ल्ट जो है वो आपको ज़रूर देखने हैं। तो ये देखिए अभी मसाज हो रही है, आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।